हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आज का टॉपिक है हमारा शी। ये शी वेल वो नहीं है जो आप लोग समझ रहे हो। सी है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसके बारे में हम आज की क्लास में बात करेंगे। तो मैं आरिफ मोहम्मद आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल AK सर केमिस्ट्री पे स्वागत करता हूँ। बने रहिए हमारे साथ। SHE स्टैंडर्ड, इसका जो फुल फॉर्म है, पूरा जो नाम है इसका, वह है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, SHE। S फॉर स्टैंडर्ड, H फॉर हाइड्रोजन एंड E फॉर इलेक्ट्रोड, इसी के बारे में हम बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो क्या क्या है वो आप लोगों को मैं बता दूं। तो यह एक गैस आयन इलेक्ट्रोड है। गैस आयन इलेक्ट्रोड मींस, अभी तक हमने जैसे डेनियल सेल पढ़ा था तो उसमें इलेक्ट्रोड था, जिंक रोड थी जो कि सॉलिड थी, उसने आप उसको आपने जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में लिया था जो कि लिक्विड था, यानी सॉलिड और आयन इलेक्ट्रोड के बारे में बात करी थी। जबकि यहां पे कोई सॉलिड नहीं होगा, यहां पे क्या होगा, गैस और आयन होगी। क्या होगी, बात करेंगे आगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी इसकी कि यह एक गैस आयन इलेक्ट्रोड है। सेकेंड प्रॉपर्टी, यह एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड है। रेफरेंस इलेक्ट्रोड मीन्स संदर्भ इलेक्ट्रोड, संदर्भ इलेक्ट्रोड, ये एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, इसकी हम यहां पे बात करते हैं। देखिए, रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या होता है? कोई भी सेल है उसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं। इंडिविजुअली किसी एक इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल मेजर करना पॉसिबल नहीं है। कोई सेल है उसमें कितने इलेक्ट्रोड है, दो, तो दोनों इलेक्ट्रोडों का इंडिविजुअली पोटेंशियल डिटरमाइन करना, मेजर करना पॉसिबल नहीं है। बट इन दोनों इलेक्ट्रोडों का पोटेंशियल डिफरेंस ज्ञात किया जा सकता है। दोनों का इंडिविजुअली पोटेंशियल नहीं ज्ञात कर सकते हैं, पर दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए, बात आई विभवांतर की। अगर एक इलेक्ट्रोड का हमें विभव पता हो, अगर एक इलेक्ट्रोड का विभव हमें पता हो, तो विभवांतर की सहायता से हम दूसरे इलेक्ट्रोड का विभव पता कर सकते हैं। तो जो ज्ञात विभव वाला इलेक्ट्रोड है ना, उसी के रूप में इस SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को लिया जाता है। कैसे लिया जाता है, आगे बात करेंगे हम इसके बारे में, ठीक है? तो ये क्या है, एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड है। इसके अलावा IUPAC ने इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसको बताया है 0 वोल्ट। ये क्या किया गया, अज्यूम किया गया है, स्वेच्छा से माना गया है। ज्यादा कम होता होगा पता नहीं, पर IUPAC कह रही है कितना मानो, 0 वोल्ट। जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है उसका विभव कितना मानेंगे हम, 0 वोल्ट, ठीक है? माना गया है, ये स्वेच्छा से मान लिया गया कि 0 वोल्ट इसका जो विभव है वो 0 वोल्ट। फोर्थ प्रॉपर्टी है, SHE C यानी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को एनोड के रूप में भी यूज किया जा सकता है, यानी इस पे ऑक्सीडेशन भी हो सकता है, और कैथोड के रूप में भी इसे यूज किया जा सकता है, यानी बोथ इलेक्ट्रोड के रूप में SHE को यूज किया जा सकता है। इससे एनोड भी बनाया जा सकता है और कैथोड भी बनाया जा सकता है। तो देयर इज फोर प्रॉपर्टीज ऑफ SHE। यहाँ पे ये चार प्रकार के जो प्रॉपर्टी है, इसकी जो विशेषताएं हैं वो अपन ने यहाँ पे लिख दी है। क्या, ये गैस आयन इलेक्ट्रोड है, ये एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, संदर्भ इलेक्ट्रोड के रूप में काम में लिया जाता है। IUPAC ने बता दिया इसका पोटेंशियल कितना है, 0 वोल्ट है, और इस SHE को एनोड और कैथोड दोनों के रूप में काम में लिया जा सकता है। अब हम आगे, जो वास्तव में SHE है क्या, कैसा दिखता है, इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, ठीक है, उस उन सब के बारे में बात करेंगे। तो SHE को
स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को यहाँ पे हम समझते हैं। सबसे पहले वर्ड जो यहाँ पे यूज किया गया है स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है? मानक, और मानक का मीन्स टेम्परेचर यहाँ पे होना है 298 केल्विन, गैस का प्रेशर होना है 1 एटमॉस्फेयर या 1 bar, और कंसंट्रेशन जितनी भी आप यहां पे लेंगे वह होगी 1 molar। ठीक है, देखिए यहां पे एक ग्लास की ट्यूब है, ये वाली जो आपको यहां पे दिखाई गई है, ये क्या है? ग्लास की ट्यूब, कांच की ट्यूब है ये वाली। इस कांच की ट्यूब को एक पात्र में रखा गया है, पोर्ट में रखा गया है। इस पोर्ट में एक सॉल्यूशन भरा गया है, सॉल्यूशन किसका है? HCl का, हाइड्रोजन क्लोराइड का सॉल्यूशन भरा गया है। बात किसकी कर रहे हैं? स्टैंडर्ड की, मानक की। तो मानक परिस्थितियों में इसकी कंसंट्रेशन क्या रखेंगे? यानी ये सॉल्यूशन भरा गया है 1 molar HCl, इसकी कंसंट्रेशन क्या है? 1 molar, यानी स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं। इसलिए इस ग्लास की जो ट्यूब है, ये रोड है, इसमें एक तार रखा गया है। ये तार किसका है? प्लैटिनम का, प्लैटिनम वायर, प्लैटिनम का तार यहां पे रखा गया है। ठीक है, यहां पे आपको एक मार्ग पथ दिखाई दे रहा होगा। इस मार्ग से इस जो ग्लास ट्यूब है, कांच की नली है, इसमें हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है। किस टेम्परेचर पे? 298 केल्विन टेम्परेचर और 1 atmosphere या 1 bar कॉन्सेंट्रेशन प्रेशर। टेम्परेचर क्या रखा? 298, प्रेशर क्या रखा? 1 atmosphere पे। इस पे इस जो ये हाइड्रोजन इस मार्ग में प्रविष्ट होगी उसमें ये टेम्परेचर होना चाहिए और इसका प्रेशर कितना होना चाहिए? 1 atmosphere होना चाहिए। ठीक है, अब यहां पे प्लैटिनम वायर क्यों लिया गया? देखिए, इलेक्ट्रोड जो होता है उस इलेक्ट्रोड के द्वारा सतह प्रोवाइड करवाई जाती है। किसके लिए? ऑक्सीकरण के लिए या अपचयन के लिए। यहां पे इलेक्ट्रोड के रूप में काम कौन कर रही है? हाइड्रोजन। तो क्या हाइड्रोजन के पास में सरफेस है क्या ऑक्सीकरण अपचयन होने के लिए, ऑक्सीडेशन रिडक्शन के लिए? नहीं है, गैस है। तो इसलिए यहां पे जो प्लैटिनम इलेक्ट्रोड है वो ऑक्सीकरण और अपचयन के लिए एक सरफेस प्रोवाइड करवाएगा जहां पे ये प्रोसेस हो सके। प्लैटिनम ही क्यों लिया? क्योंकि प्लैटिनम इज द मोस्ट इनर्ट, यह एक अक्रिय इलेक्ट्रोड है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, इसलिए यहां पे प्लैटिनम इलेक्ट्रोड लिया गया है। ओके, तो फिर से सुन लीजिए, एक ग्लास की ट्यूब है, इस ट्यूब में प्लैटिनम का एक वायर रखा हुआ है, वायर डाला हुआ है, और इसे एक पोर्ट में रखा गया है जिसमें 1 molar कॉन्सेंट्रेशन का हाइड्रोक्लोरिक सॉल्यूशन भरा गया है। ठीक है, अब यहां पे देखिए, इस प्लैटिनम वायर एक पर्णिका से जोड़ा गया है, प्लैटिनम, जिसे प्लैटिनम ब्लैक से फॉइल किया गया है, लेपित किया गया है। ये पर्णिका है, ये किसकी, क्या क्या किया गया इस पे? प्लैटिनम ब्लैक को इस पे लेपित किया गया, यानी हम इसको क्या कहते हैं? प्लैटिनम ब्लैक फॉइल। ठीक है, ये है आपके SHA की कंप्लीट व्यवस्था। अब देखिए होगा क्या, जब आप 298 केल्विन ताप, 1 atmosphere दाब पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करेंगे तो हाइड्रोजन गैस कहां आएगी? यहां इस प्लैटिनम ब्लैक फॉइल पे आएगी। हाइड्रोजन गैस कहां आएगी? प्लैटिनम ब्लैक फॉइल पे आएगी। तो ये प्लैटिनम ब्लैक फॉइल क्या करेगा? हाइड्रोजन गैस को अधिशोषित कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। जितनी क्वांटिटी में एब्जॉर्ब होगी वो तो हो जाएगी, शेष हाइड्रोजन क्या होगी? यानी इस प्लैटिनम ब्लैक में क्या अधिशोषित हो गई? हाइड्रोजन गैस, H2 गैस। शेष जो हाइड्रोजन, अतिरिक्त हाइड्रोजन होगी वो यहां पे बबल्स के रूप में, बुलबुलों के रूप में क्या होगी? बाहर निकल जाएगी। ठीक है, ये क्या है? बबल्स ऑफ H2 गैस।
बबल्स ऑफ H2S। ग्लास ट्यूब में आपने क्या करा है, 298 केल्विन टेम्परेचर, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड करी। हाइड्रोजन गैस को इस प्लैटिनम ब्लैक फॉइल ने क्या किया, अधिशोषित कर लिया। जितनी अधिशोषित हुई वो इसमें अधिशोषित हो गई, शेष क्या हुई, बुलबुलों के रूप में बाहर चली गई। अब देखिए यहां पे इस प्लैटिनम ब्लैक फॉइल में क्या अधिशोषित है, हाइड्रोजन गैस, और इस विलयन में कौन उपस्थित है, HCl, यानी H प्लस आयन प्रेजेंट है। प्लैटिनम ब्लैक में H2 गैस है और सॉल्यूशन में H प्लस आयन उपस्थित है, तो इस H2 गैस और इन H प्लस आयन के बीच में एक इक्विलिब्रियम यहां पे स्थापित होगा, जो कि जिसके बारे में हम बात करते हैं। तो उससे पहले मैं आपको यह बता दूं कि आपने HCl गैस ही क्यों ली, क्योंकि HCl की मोलरिटी अगर 1 मोलर है तो यहां पे H प्लस आयन की मोलरिटी भी क्या होगी, 1 मोलर ही होगी, क्योंकि एक HCl अणु है वह एक H प्लस ही देगा। अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड यहां पे ले लेते तो सल्फ्यूरिक एसिड अगर 1 मोलर होता तो उसमें से हाइड्रोजन आयन कितने मिलते, 2H+। इसलिए यहां पे HCl सॉल्यूशन का यूज किया जाता है, ध्यान रखिएगा ये बात। आगे देखें, इस हाइड्रोजन गैस और इन H+ आयन के बीच में एक इक्विलिब्रियम पाया जाता है, जिसको अपन इस प्रकार से शो कर सकते हैं। ठीक है, ये यहां पे साम्यावस्था पाई जाएगी। अब देखिए ये एक ऐसा इलेक्ट्रोड है जिसको आप एनोड के रूप में भी यूज कर सकते हैं और कैथोड के रूप में भी यूज कर सकते हैं। तो जब आप इसे एनोड के रूप में यूज करेंगे, एनोड, अगर आपने SHE को एनोड के रूप में यूज किया है तो इस पे कौन सी प्रोसेस होगी, ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन, यानी ऑक्सीकरण होगा। किस प्रकार से, इस इक्वेशन को ऑक्सीडाइज फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, आधा H2 प्रोड्यूस कर रहा है H+ इलेक्ट्रॉन। यहां पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या था, 0, 0 से क्या हो गया, प्लस मींस क्या हो गया, ऑक्सीकरण, और ऑक्सीकरण अगर हो रहा है तो इस इलेक्ट्रोड को आप क्या कहेंगे, एनोड। इसी प्रकार से अगर आप इसको कैथोड के रूप में यूज करते हैं तो कैथोड के रूप में यूज करेंगे तो इस पे क्या होना चाहिए, अपचयन, रिडक्शन, क्या होना चाहिए इस पे, अपचयन। और अपचयन अगर होगा, यहां पे तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, अपचयन होगा तो क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसी इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, H+ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है और बना रहा है हाफ H2। ठीक है, यानी इस इलेक्ट्रोड को जो SHE है, C है, C को एनोड के रूप में भी यूज में लिया जा सकता है और कैथोड के रूप में भी यूज में लिया जा सकता है। अगर आप इसे एनोड के रूप में यूज लेते हैं तो इसका रिप्रेजेंटेशन कुछ इस प्रकार से किया जाता है। एनोड, एनोड किधर लिखा जाता है, लास्ट क्लासेस में हमने बताया था, अलोन एनोड, A4 अलोन, L4 लेफ्ट साइड, O4 ऑक्सीडेशन, N4 नेगेटिव, E4 इलेक्ट्रोड। तो एनोड लेफ्ट साइड में रखना है और लेफ्ट साइड में सेल को, जो ये इलेक्ट्रोड है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, देखिए एनोड को इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे। किस पे हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड कर रहे हैं, प्लैटिनम सॉलिड पे, प्लैटिनम सॉलिड किसे प्रोवाइड कर रहे हैं, हाइड्रोजन गैस को, किस प्रेशर पे, 1 bar, 1 atmosphere या 1 bar लगभग समान ही होता है, और कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, H+ आयन की, H+ आयन कैसा, एक्वस, और कॉन्सेंट्रेशन है 1 molar। अगर आप एनोड के रूप में SHE को लेंगे तो इसका रिप्रेजेंटेशन इस प्रकार से होगा। एनोड में हम क्या करते हैं, जो सॉलिड होता है उसको अपन किस तरफ रखते हैं, लेफ्ट साइड में, और जो एक्वस सॉल्यूशन होता है उसको किधर रखते हैं, राइट हैंड साइड में। तो सेम वही प्रोसेस है, प्लैटिनम सॉलिड H2 गैस 1 bar पे यहां पे प्रोवाइड की जा रही है H+, ये किसके लिए है, एनोड के लिए। अगर आप SHE को कैथोड के रूप में शो करें तो कैसे करेंगे, देखिए जस्ट इसका उल्टा लिख देंगे, कैसे, प्लैटिनम सॉलिड H2 गैस
एट वन बार और एच प्लस कैसा एक्वस सॉल्यूशन जिसकी मोलैरिटी आपने ले रखी है वन मोलर। ये यहां लिख दूं मैं एनोड के रूप में, एनोड के लिए आप SH को इस प्रकार से शो करेंगे और कैथोड के लिए इस प्रकार से शो करेंगे। मैं चेक कर लूं आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा, पूरा बोर्ड आ तो रहा है। ओके आ रहा है, बिल्कुल बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो ये एनोड हो गया और ये कैथोड हो गया, ठीक है। यानी इसको एनोड के रूप में यूज करेंगे तो यू रिप्रेजेंट करेंगे, कैथोड में करेंगे तो यू करेंगे। एनोड के रूप में लेंगे तो इसमें क्या होगा ऑक्सीडेशन, कैथोड के रूप में लेंगे तो क्या होगा रिडक्शन। परंतु यहां पे एक चीज और बता दूं, जो SHE आपने लिया है इसके लिए चाहे एनोड पे हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की, तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी जीरो वोल्ट है, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जीरो है। और कैथोड पे क्या होगा रिडक्शन, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल भी क्या है जीरो है। SHE का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑक्सीकरण विभव और अपचयन विभव दोनों का मान ही शून्य होता है। इस सेल को आप जो रिप्रेजेंटेशन लिखा है इसमें कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। जिंक में अपन ने कैसे रिप्रेजेंट किया था, जो डेलियन सेल था उसमें कैसे रिप्रेजेंट किया था, एनोड को ZN, ZN2+, ये जिंक और ये ZN2+, उसी प्रकार से यहां देखो ये H2 और ये H+ कौन है एनोड, ये भी एनोड, ये भी एनोड, कंपेयर कर लो। कैथोड को आपने कैसे लिखा था वहां पे Cu2+ Cu, जो सॉलिड है उसको किधर लिखा है राइट हैंड साइड में, और जो एक्वस सॉल्यूशन उसको किधर लिखा है लेफ्ट हैंड साइड में। सेम वही काम आपने यहां पे किया है, यानी आप इसे एनोड और कैथोड दोनों के रूप में काम में ले सकते हैं। और ऑक्सीकरण होने पर यहां पे ये प्रोसेस होगी, H2 वन इलेक्ट्रॉन लॉस्ट करके H+ का निर्माण करेगा, और यहां पे कैथोड के रूप में काम में लेने पर रिडक्शन होगा और एक इलेक्ट्रॉन गेन करके ये हाइड्रोजन गैस का निर्माण करेगा। ये है SHE, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड एग्जाम में केवल ये डायग्राम भी पूछा जाता है। और जिंक और कॉपर इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है ये भी पूछा जाता है। तो आगे बात करते हैं, जिंक इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की ई नोड यानी स्टैंडर्ड कंडीशन में पोटेंशियल इलेक्ट्रोड की कैलकुलेशन के लिए हमने जिंक इलेक्ट्रोड को स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ में जोड़कर एक पूरा सेल यहां पे बनाया है। वही डेनियल सेल में जैसे लिया था जिंक छड़ को जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में, ठीक है। ऐसे चीज सेम व्यवस्था है, वही ग्लास रोड प्लेटिनम का वायर, उसे किसमें लिया वन मोलर HCl सॉल्यूशन में लिया है। क्या प्रोवाइड करेंगे हाइड्रोजन गैस, दोनों अर्थ सेलों को साल्ट ब्रिज से जोड़ दिया गया है और हमारा यहां पे इस प्रकार से एक कंप्लीट सेल का यहां पे निर्माण होता है। इस सेल की सहायता से हमें जिंक के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की गणना करनी है। तो देखिए इस सेल का पोटेंशियोमीटर से विभव मापी से जब विभवांतर पता करते हैं तो विभवांतर हमें मिलता है 0.76 वोल्ट, यानी इस सेल के लिए जो इनोड सेल हमें मिलता है उसकी वैल्यू 0.76 वोल्ट हमें प्राप्त होती है। इनोड सेल कैसे ज्ञात किया जाता है, लास्ट मीटिंग में हमने डिस्कस किया था, इनोड सेल इज इक्वल्स टू, वहां लिख दूं मैं, इनोड सेल इज इक्वल्स टू इनोड कैथोड माइनस इनोड एनोड, यही होता है। इनोड सेल इज इक्वल्स टू E note cathode minus E note anode, शायद देखने में दिक्कत हो रही है, नहीं लिखते इसे E note cell कितना मिला 0.76 volt, ठीक है। E note cell is equals to E note cathode minus E note anode, ठीक है। कैथोड कौन है यहां पे देखिए, जो लेफ्ट हैंड साइड वाला है वो कौन है एनोड, राइट हैंड साइड वाला कौन है कैथोड। तो कैथोड SHE है और SHE के लिए IUPAC ने क्या कहा है, इसका आप पोटेंशियल जीरो मानेंगे, तो ये कितना मान लेंगे जीरो। ये हमें क्या करना है ज्ञात करना है। और इनोड सेल पोटेंशियोमीटर से कितना मिला था, दोनों इलेक्ट्रोडों के विभवों का जो अंतर है वो विभव मापी से कितना आया था 0.76 वोल्ट।
ओके, तो अब इस इक्वेशन से हम ज्ञात कर सकते हैं ए नोट कैथोड क्या लिख देंगे, माइनस ई नोट एनोड इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, 0.76 वोल्ट के बराबर होगा। इस नेगेटिव साइन को हटाएंगे तो क्या लिख देंगे, ई नोट एनोड इज इक्वल टू माइनस 0.76 वोल्ट। यानी SHE की सहायता से हम डायरेक्टली जिंक का पोटेंशियल, जो जिंक इलेक्ट्रोड है उसका पोटेंशियल ज्ञात नहीं कर सकते थे, परंतु SHE के साथ में इसे जोड़कर एक पूरा सेल बनाकर इसका विभवांतर हम ज्ञात कर सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस हम ज्ञात कर सकते हैं, और उसी पोटेंशियल डिफरेंस उसी E-नोड सेल के द्वारा हम यहाँ पे E-नोड एनोड की गणना कर सकते हैं। यानी जिंक इलेक्ट्रोड का जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मानक इलेक्ट्रोड विभव होगा वह होगा 0.76 वोल्ट माइनस रिडक्शन की रेस्पेक्ट में। इसी प्रकार से आगे हम कॉपर इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करते हैं। कॉपर इलेक्ट्रोड की गणना करने के लिए हमने कॉपर इलेक्ट्रोड जो कि कॉपर रोड और कॉपर सल्फेट सोल्यूशन से बनाया गया है, इसे SHE के साथ जोड़कर एक पूरा सेल बनाते हैं, कंप्लीट सेल का निर्माण करते हैं, साइड ऑफ से जोड़ के कनेक्टिव वायर से जोड़ के एक कंप्लीट सेल हमने यहाँ पे बना दिया है। ये वही कॉपर इलेक्ट्रोड है जो डेनियल सेल में हमने पढ़ा था, और यही है वही SHE जिसके बारे में पूरा डिस्कस हम कर चुके हैं। तो अब जब इन दोनों को जोड़ के कंप्लीट सेल बना लिया, अब हम क्या करेंगे, पोटेंशियोमीटर से इसका पोटेंशियल पता करेंगे। पोटेंशियल पता करेंगे तो यहाँ पे ई नोट सेल की वैल्यू हमें मिलती है 0.34 वोल्ट मिलती है। तो देखिए हमें पता है फॉर्मूला हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ई नोट सेल इज इक्वल्स टू ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। देखिए SHE अगर आपने कॉपर के साथ में लिया है तो SHE एनोड होगा, जिंक के साथ जब आपने लिया था तब SHE क्या था, कैथोड था। कॉपर के साथ जब आप SHE ले रहे हो तो SHE क्या होगा, एनोड होगा। किस कारण से होगा, कैसे होगा, आगे हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ेंगे, और वो सीरीज पढ़ने के बाद चाहे कोई भी दो इलेक्ट्रोड आपको दे दिया जाए आप पहचान जाएंगे कि कौन एनोड होगा और कौन कैथोड होगा। पर अभी के लिए आप ध्यान रखिए SHE क्या है, एनोड है और कॉपर कैथोड है। तो ई नोट सेल की वैल्यू कितनी मिली है, 0.34 कैथोड। हमें पता है कॉपर है जो कि हमें डिटरमाइन करना याद करना है हमें, और एनोड की वैल्यू कितनी है, 0। तो इसलिए क्या लिख सकते हैं, ई नोट कैथोड इज इक्वल्स टू कितना मिल जाएगा, 0.34 वोल्ट। यानी कॉपर इलेक्ट्रोड के मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान 0.34 वोल्ट होगा। ठीक है, जिंक का कितना था, माइनस 0.76 वोल्ट था, जबकि कॉपर का 0.3 वोल्ट होगा, जो कि हमने इस रेफरेंस इलेक्ट्रोड SHE के साथ में जोड़कर पूरा सेल बनाकर हम ज्ञात कर लेते हैं। एक क्वेश्चन करते हैं हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से रिलेटेड। देखिए यहां पे कैथोड के रूप में इलेक्ट्रोड दिया हुआ है, H2SO4 जलीय वीरियन जिसकी कॉन्सेंट्रेशन ये दे रखी है, हाइड्रोजन 1 एटमोस्फेयर पे, प्लैटिनम सॉलिड है। तो यहाँ पे रिडक्शन की रेस्पेक्ट में देखिए, एक H2SO4 मॉलिक्यूल है तो उससे कितने H2 कितने H+ आयन प्राप्त होंगे, 2। तो क्या लिख देंगे, 2H+ कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स, और क्या बना लेंगे, हाइड्रोजन गैस बना लेंगे। ठीक है, रिडक्शन की रेस्पेक्ट में हमने ये वाली इक्वेशन लिख दी। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान दो, एक ये कंसंट्रेशन किसकी दी है, H2SO4 के एक अणु की। ठीक है, अब एक अणु H2SO4 होगा तो उससे H+ कितने प्राप्त होंगे, 2H+ प्राप्त होगा। अगर H2SO4 की कंसंट्रेशन 0.05 है तो H+ की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, इसकी दोगुना, यानी 2 × 0.05, और रिजल्ट कितना आ जाएगा इसका, 0.10। इसको क्या बोल सकते हैं अपन, 10^-1 बोल सकते हैं, क्या बोल देंगे इसको, 10^-1 बोल देंगे ना। ओके, तो यहां पे जो H+ कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या होगी, 10^-1। ठीक है, अब देखिए इसके लिए अपन नेक्स्ट इक्वेशन लिखते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन कैसे लिखेंगे, ई H+
आधा एच टू इज इक्वल्स टू ई नोट एच प्लस आधा एच टू माइनस 0.059 अपॉन एन लोड प्रेशर गैस है तो ऊपर क्या लेंगे प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट तो प्रोडक्ट कौन है गैस पी एच टू अपॉन रिएक्टेंट कौन है एच प्लस ये लिख देंगे पी एच टू अपॉन एच प्लस ये हमने लिख दिया ठीक बात है ओके आगे बात करते हैं इसको चाहे एच प्लस आधा एच टू लिख दीजिए चाहे एच टू लिख दीजिए ठीक है अब यहां पे पीएच टू कितना दे रखा है 1 एटमोस्फेयर एच प्लस कॉन्सेंट्रेशन यहां पे दी हुई जिससे अपन ने डिटरमाइन कर लिया 10^-1 और ये कितना होता है 0 तो क्या लिख देंगे ई एच प्लस आधा एच टू इज इक्वल्स टू 0-0.059 अपॉन क्या लिखेंगे एन एन क्या होता है हाफ सेल रिएक्शन में जितने इलेक्ट्रॉन यूज होते हैं कितने इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 लोग पीएच टू 1 वैल्यू दे रखी है एच प्लस कॉन्सेंट्रेशन हमने लिखा है 10^-1 अब एक बार यहां पे ध्यान दें कितने एच प्लस है 2 तो यहां पे जो स्टेकियोमेट्री मल्टीपल लगा हुआ वो यहां पे किसके रूप में आएगा पावर के रूप में तो यहां पे क्या आ जाएगी पावर 2 क्या लिख देंगे ई इसको ई लिख रहा हूं मैं सीधा 0.059 अपॉन 2 लॉग 10^2 ऊपर जाएगा 2 हो गया इसको क्या लिख देंगे ई इज इक्वल्स टू 0-0.059 अपॉन 2 लॉग 2 2 इधर आ गया 2 लॉग 10 लॉग 10 की वैल्यू क्या होती है 1 2 से 2 कट जाएगा रिजल्ट क्या आ जाएगा ई एच प्लस हाफ एच टू इज इक्वल टू -0.059 इस क्वेश्चन के लिए ये आपका आंसर आएगा यानी हमने यहाँ पे हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन और नेस्ट इक्वेशन दोनों का यूज करके इस प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है तो गाइस आज की क्लास में इतना ही मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में तब तक पढ़ते रहिए रिपीट करते रहिए मैक्सिमम रिपीटेशंस गिव्स यू मैक्सिमम फ्रूटफुल रिजल्ट विश यू ऑल द बेस्ट और बने रहिए हमारे साथ थैंक यू